बर्बाद होगी क्यों, है ना? हमें सिर्फ जीपीएस सिग्नल को फॉलो करना है। थोड़ा आराम से, क्या फायदा? कुमार आओ। मैं बोर हो रहा हूँ। ए आराम से, बस चलते रहना। वो आगे नहीं जाने चाहिए। चुप करो। वो देखो, वो हमसे आगे जा रहे हैं, तुम तेज चलाओ। मैंने कहा ना तुम चुप रहो, मुझे चलाने दो कार। तुम्हारा दिमाग खराब है, पूरे पागल हो तुम। चलते रहो, चलते रहो। रुको 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 रुको। जल्दी चलो। संभाल कर, देख कर। हाँ इस तरफ चलो। कौन एंट्री हो, जल्दी करो। अरे रुको रुको रुको, तुमने सुना? मुझे लगता है हम पहुंच गए। अबे आड़ी आराम से, जरा देख कर चलना चाहिए तुम्हें। हाँ मुझे भी लगता है। कस के पकड़ो। तो मैं भी आता हूं। यहीं पे होना चाहिए। तो कहां है वो? यहीं कहीं होना चाहिए। दो मुझे, शायद वो पानी में हो। वो कहाँ है? बकवास मत करो मुझसे, बॉब कहाँ है? मिल गया। यस। ये देखो। मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, ऐसा कोई पैदा भी नहीं होगा। अब पता चला ना मैं क्या चीज हूँ। कैसा लगा स्वीटहार्ट? कोई बड़ी बात नहीं। वेरी फनी, मुझे लगता है कि जो यहाँ पहुँचा वही जीता। ओ तो तुम्हें ऐसा लगता है? ठीक है दोस्तों, ये बस एक गेम है। क्या सच में एंड्रयू? क्या ये बस एक गेम है? क्या सच में गेम है? सच में तो बहुत कमीना है एंड्रयू। क्या सच में ये गेम है? ये एक गेम है। तुम इस जीपीएस को यूज करके कहीं अपनी ही कब्र क्यों नहीं तलाश लेते? मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आती हूँ। कम ऑन फ्रैंकी, अब चलो। आ रही हूँ। उस कमीने की बात पे ध्यान मत दो के? चलो। तुम ठीक तो हो ना? जरा इसे देखो तो सही।
पुलिस ने सेपर्ड लोमन और उसके 20 लाख डॉलर को तलाशने के लिए कदम बढ़ा दिया है। लोमन 2 सालों से उस पैसे को चुराने की फिराक में था और उसे कल रात अरेस्ट कर लिया गया। उस पर पहचान चुराने के आरोप लगाए गए हैं। लोमन को बेल मिलने के बाद वो गायब हो गया है। FBI ने इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकल अथॉरिटी को ज्वाइन किया। 20 लाख डॉलर अचानक कहां गायब हो गए, इसकी जांच करना अभी बाकी है। अरे यार, क्या वो सेब के बारे में 2 सेकंड से ज्यादा बात नहीं कर सकते? कैनियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। ये 3rd साल है जब से हमारा कॉलेज छूटा। हम पहली बार वहां इकट्ठा हुए थे और सेब नहीं आया। वो शायद कहीं गया होगा। क्या सेब कहीं बेसमेंट में छुपा होगा? वो इतना बेवकूफ भी नहीं है। वेलकम टीम बॉब, अपना ट्रेजर कोड इंटर करें। टीम बॉब, हमें नाम चेंज करना चाहिए। क्या ये मुझे अच्छा लगा। कंग्रेचुलेशंस, क्या तुम अपने अगले हंट के लिए तैयार हो? क्यों नहीं। तुम्हारे इनबॉक्स में एक स्पेशल इनविटेशन है। ओह, क्या मिला है? शेप की तरफ से इनविटेशन। क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, जरूर ही है, नहीं तो और कौन हो सकता है? वो तो रन पर है ना शायद, तो फिर वो GPS हंट कैसे सेट कर सकता है? मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो उनके साथ बात तक नहीं की। क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? एंड्रयू, क्लिक यस। क्या? यस पे क्लिक करो ना। लोकेशन, ब्लैक हिल्स। यही होगा, इस हफ्ते हम यहीं पर कैंपिंग करेंगे। चालाक कमीना कहीं का। तुमने तो उसे इनवाइट नहीं किया। बॉब, शायद मैसेज किया होगा। तुम क्या? मैंने फोन पर बात की, मुझे वॉइस मेल मिला। लगता है कल की रात अच्छी कटी। ऐ जानेमन, बेड पर वापस आओ। हल्क, एंड्रयू सोचो, इतना सारा पैसा उसने कहीं तो छुपाया होगा। वो हमें उसके ही चुराए हुए पैसे ढूंढने के लिए हंट पर ही क्यों भेज रहा है? तो क्या हुआ? देखो, अगर वो ऐसा है तब भी वो चोरी का पैसा है। चोरी का? प्लीज, चल ठीक है चोरी का, लेकिन हमने तो नहीं चुराया। मगर पॉइंट क्या है एंड्रयू? एक GPS हंट पर जाना बिल्कुल भी इल्लीगल नहीं है, समझे मेरे भाई? ठीक है, क्यों ना हम वहां जाकर ढूंढते हैं सेप ने क्या छोड़ा, और बाद में हम डिसाइड करते हैं वहां पे क्या करना है। ठीक है ना? या फिर तुम अपनी बची हुई जिंदगी सोचते हुए गुजारना चाहते हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता। जरा सोचो, बहुत मजा आएगा। मुझे तो आएगा। ठीक है, सच में? मैंने कहा ना ठीक है। अरे यार, बहुत आसान है, कम ऑन। अब क्या बताऊं, मुझे और भी बहुत कुछ करना है। मैं सबको ट्रिप कैंसिल करने के लिए फोन नहीं करने वाला। हम कुछ कैंसिल नहीं कर रहे, ओके? क्योंकि मैंने इसे ऑर्गेनाइज करने में बहुत वक्त खर्च किया है। हमने कुछ फोन कॉल्स किए थे, ऐसा नहीं है कि किसी को पता ही नहीं है। हम सबको बताएंगे कि हम GPS पर जा रहे हैं, ओके? और अगर तुम्हें साथ आना है तो तुम आ सकते हो, पर मैं सेब के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। तुम्हें क्या बताना और क्या नहीं बताना वो तुम ही सोचो, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। तू पम्प्ड है? तू पम्प्ड है? नहीं, ठीक है, मैं पम्प्ड हूँ। ठीक है, मैं ही हूँ। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो ताली भी दे दो। सुनो मेरे भाई, हम जा रहे हैं GPS हंट पर, तुम और मैं और तुम। हम जा रहे हैं GPS हंट पर, तुम और मैं और तुम। चलो, बहुत हुआ। चलो ना यार, बहुत मजा आएगा। पागल है। आई लव यू। गैबिन, मेरा बैग मत कुचलना, ओके? मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी सामान खराब हो जाए। मैं तुम्हारा सारा सामान गाड़ी में रख देता हूँ। ओके। तुम दोनों पूरे वीकेंड ऐसे ही करने वाले हो? नहीं ट्रेविस, लगता है तुम्हारे बैग की भी आ गई। ओह माय गॉड, मैंने उसे तब से नहीं देखा जब से वो वापस आई। तुम और बैग की शादी कब कर रहे हो ट्रेविस? अगर मैं गलत नहीं हूँ
तो ये रेचल और भी ज्यादा हॉट हो गई है। हाय, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ओह, देखो तो सही, मुझे तो लग रहा था तुम और ज्यादा मोटी होके आओगी। पता नहीं, शायद कभी हो जाओ। हाय बेकी। ओह माय गॉड, देखो कौन आया है। मुझे नीचे उतारो। हम इसे शानदार बना देंगे। हे एंड्रयू। हाय। ये तो बियर से भी हल्की है। बॉब, उसे नीचे उतारो। पागल। ओह, मुझे माफ करना, मैं जरा बहक गया था। वो क्या है कि मैं बहुत दिनों बाद रेचल से मिला, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। रुको, मैं अभी आती हूँ। ऐसा क्या है उसमें जो तुमसे रहा नहीं गया? ओह, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं डियर? बॉब, तुमने मुझे इस तरह से नहीं उठाया जबकि मैं तुमसे काफी समय के बाद मिला हूं। बहुत हुआ। तुम ये मत समझना कि मेरा मन बदल गया है। बॉब, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने बस बियर की तीन ही पेटियां पैक की? क्या ये काफी नहीं है? अरे चिंता मत करो, अपने पास हर्ड स्टफ भी तो है। इतना भी काफी नहीं है तो फर्स्ट एड किट में अल्कोहल भी तो है। तो दोस्तों, हम तैयार हैं। तुम्हें क्या चले? पता नहीं, लेकिन हम किसी अच्छे रिजॉर्ट पर भी तो जा सकते थे ना। जब इस वीकेंड पर टाउन से बाहर जाने का प्लान बना है तो गलत ही क्या है? बॉब, जल्दी करो। जो भी हो, पर जहाँ तक मैं सोचती हूँ, ऐसी अनजान जगह पे जाना खतरनाक भी हो सकता है। ट्रेविस, क्या हो गया? अच्छा कैच था। नाइस। तो अब तुम तैयार हो ना? हाँ। तो चलो चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी निकलते हैं। हाय रूर। तुम मेरी कार में नहीं आ रही हो? तुम्हारी कार में जगह ही कहाँ है? ट्रेविस, चलो चलते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई लव यू बेबी। बाय सुजा। तो मुझे पता है। आई एम सॉरी एंड्रू, मुझे पता है वो तुम्हारी कजन है, लेकिन एलिसन कभी कभी बहुत नकचढ़ी हो जाती है। ओह, हमें बताकर मेहरबानी कर दी। मैंने सोचा शायद फ्रांस में 6 महीने रहने के बाद उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा। मेरे अंकल कह रहे थे कि वो अगले महीने दोबारा पेरिस जाएंगे। ये तो उसके पापा के पैसे की बर्बादी है। उन्हें पैसे उड़ाना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा करने से खुशी मिलती है। मैं देख रहा हूँ गैविन उसकी खिंचाई करने की कोशिश कर रहा है। चलो दोस्तों, अब चलते हैं। वाओ, ये तो कॉलेज के दिन जैसे ही कर रहे हैं। कुछ लोग कभी भी नहीं बदलते। हाँ, इधर। हे गैविन, क्या तुम मेरा बैग उठाना चाहोगे? ओह, वेरी फनी। ओह, लगता है तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना आता ही नहीं है। ओह, तो तुम गैविन की गर्लफ्रेंड हो ना? हाँ, गैविन की बंदी। क्या तुमने कभी सेक्स किया है? एक्चुअली सच में? मुझे अभी पता चला। मैं मजाक कर रही हूँ। दोस्तों चलो अब शुरू करते हैं धमाल। आ जाओ, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो GPS वाली चीज कितने की आती होगी? GPS क्या? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। वही तो मैंने कहा। बिल्कुल नहीं। ये देखो, ये कोऑर्डिनेट्स दिखाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के, जैसे कि कोई कंपास हो। हाँ एलिसन, तुम्हारे हिसाब से कुछ वैसा ही, मतलब तुम्हारी योगा क्लास में भी दिखता होगा, जैसे कुकुर आसन में तुम्हारी बॉडी सही तरीके से मूव करे। एलिसन, ये मजाक था। ओह, तो ये तो तय हो गया कि अब कम से कम तुम दोनों एक ही टेंट में नहीं सो सकते, इसलिए तुम्हारी जगह मैं लेता हूं।
डाली, तुम्हें पता है हम सभी तुम्हें जानते हैं। वो क्या था? शांत रहो। ओ नीले गगन के तले घूमूं मैं अकेले, घूमूं मैं अकेले। ओ ये कैसी बदबू है। ओ बच्चों, क्या तुम सब जंगल में नीचे की तरफ जा रहे हो? नहीं, हम तो बस ऐसे। तो जरा सावधान रहना, वहां एक भालू है, बहुत खतरनाक, तुम्हारा सारा खाना खा जाएगा और गायब हो जाएगा, और तुम्हारे कैंप के अंदर से भी। ये क्या कोई मजाक था? नहीं मैडम, मैं मजाक नहीं कर रहा। वैसे तुम इस जंगल में यहां आसपास छोटे जानवर से तो सेफ हो, लेकिन भालू, ये कोई मजाक की बात नहीं है। क्या तुमने वेयरवुल्फ मूवी देखी है, जिसमें एक आदमी भेड़िया में बदल जाता है? कुछ ऐसा। आराम से मैन। क्या खामोश, शांत हो जाओ। अब मुझे जाना होगा, ये रात जल्द ही ढल जाएगी। वो मत भूलना जो मैंने तुम्हें बताया। डर गए, डर गए, डर गए। ये सब सच था? ये क्या बकवास थी? चिंता मत करो, ये कैंप फायर हमें जानवरों से बचाएगी और भालुओं से भी। चलो स्विमिंग करते हैं। ये ब्रेक टाइम है। क्या बात है, पानी ठंडा है, चलो सभी आ जाओ। ये जरा भी नहीं बदला ना। अरे बस भी करो, आ जाओ ना। भी नहीं, यही तो मजा है दोस्ती का। Hey guys! लगता है पागल हो गया। चलो आ जाओ। तो रेशल, तुम अपनी बताओ, तुम्हारा रोमांस वगैरह कैसा चल रहा है? तुम्हारे जितना एक्साइटिंग तो नहीं, पर पता नहीं, मैं सोच रही हूँ इसके बारे में बाद में सोचूंगी। ओ स्वीटी, यहाँ के बंदे कुछ खास नहीं है। मेरा मतलब, ये तो ऐसे लड़के हैं जो तुम्हारे लिए कार का डोर भी नहीं ओपन करते। और गेविन कैसा है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को खुद से डोर खोलना पसंद होता है। अच्छा, एलिसन, फ्रांस कैसा है? बेकार है, मतलब उतना भी रोमांटिक नहीं है जितना सोचकर मैं यहाँ पे आई थी। Well, बेकार ही सही, पर मैं जाना चाहूंगी। श्रावस और मैं वहाँ जाने वाले हैं। तुम तो अगले महीने वापस जाने वाली हो ना? देखते हैं, शायद मेरे डैड राजी हो जाए। मुश्किल लगता है। अच्छा, तुम क्या जानती हो इस बारे में? कॉलेज के जैसे ही हो, पहले भी झगड़ते थे और अभी भी झगड़ते ही हो। मजाक कैसा था? ये कैसा मजाक था? तुम भी ना। भाई बेट लगा लो, वो मेरे ही बारे में बात कर रही है। कोई बेट नहीं, बहुत चलाक हुआ, लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो बॉब ही सबसे आगे रहता है। सही कहा ना? हाँ, तुम्हें उनके साथ फालतू की बकवास करने आती है, इसीलिए। क्या वो मेरे बारे में बात कर रहे थे? जाओ। तुम पागल हो गई हो? पूछ लो, सब पता चल जाएगा। चलो छोड़ो, कौन बात करेगा तुम्हारे बारे में? वो शायद तुम्हारे बालों के बारे में बात कर रही होंगी। बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? वो ठीक हैं, बस वो चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं। और तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही पैसों के पीछे भागते रहते हैं। क्या ये कोई कब्र है? हाँ शायद। आराम से, हम पहुंच गए। हाँ लोकेशन तो यही है। हाँ।
ये कब्र नहीं हो सकती। ये काफी मजबूत लगती है। यार तुम लोगों के भी बड़े अजीब शौक हैं। पहले जरा चेक कर ले। अच्छा काम किया बॉब। ओह माय गॉड एंड्रयू क्या है ये? हे ईश्वर क्या हुआ? ओह ये क्या है? क्या ये क्या है? दिखाओ जरा। ओह माय गॉड ये आखिर है क्या? क्या ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल नहीं हो सकता, देखो तो सही। ये गेम है, ये गेम का हिस्सा है। लगता है कोई स्टेज है। पर लगता तो बाप नहीं। कोई ऐसे क्यों गुमराह करेगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या कोई मजाक चल रहा है? ये मजाक नहीं है। सब लोग शांत हो जाओ प्लीज। ओके गाइस, कुछ है जो हमने तुम्हें नहीं बताया। सही कहा, जीपीएस स्कैवेंजर हंट के बारे में और वो कैसे काम करते हैं और एंड में क्या प्राइस रखा हुआ है। बाप देखो मेरी बात सुनो, जिस आदमी ने ये सब रचा है वो बस हमें डराना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस लड़की को देख के ये नहीं लग रहा है कि ये बस हमें डराने के लिए है। देखो ये सब बकवास है, ये बस एक गेम है। एंड्रयू जरा से मैप में देखो। मतलब क्या तुम सच में इसे कंटिन्यू करना चाहते हो? देखो ये बस एक गेम है, समझे? यहाँ से बस 9 मील दूर है। क्या होगा अगर ये गेम एक्चुअल में कोई गेम ना हो और जो कुछ भी हो रहा है वो सच हो? मतलब मैं आगे मत बोलो। नहीं, मैं अब एक मील भी नहीं चलने वाली उस जगह जहाँ का कोई अता पता ही ना हो और जहाँ एक पागल का किडनैप हुआ या शायद मर्डर हो गया है। मैं नहीं जाने वाली, मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। ये रहा फोन। तुम्हें नहीं लगता कि हमें पुलिस के पास जाके सब कुछ बोलना चाहिए? मुझे माफ करना दोस्तों। एंड्रयू क्या ये एक एडवांस हंट है और शायद हमें तुम लोगों को यहां नहीं लाना चाहिए था। अरे यार तुम लोग तो सच में ओवररिएक्ट कर रहे हो, कम ऑन। मैं वापस जा रही हूँ। ए एलिसन रुको, अगर वहाँ पे कोई साइको है तो हम तुम्हें बचा लेंगे ना? नहीं मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। क्या कोई मेरे साथ आना चाहता है? मैं तुम्हारे साथ आऊंगा एलिसन। थैंक्स गेविन। एक मिनट रुको 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 रुको, सुनो सुनो सुनो, इन जीपीएस हंट्स के बाद अंत में एक प्राइस भी होता है, बड़ा प्राइस, कैश प्राइस। कितना बड़ा प्राइस? 5 करोड़। क्या तुम सीरियस हो? तब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये स्टूपिड गेम अब इतना स्टूपिड नहीं लग रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने पैसे, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे पता है तुम जितना पैसा चाहो तुम्हें मिल जाएगा, ओके? लेकिन मेरे लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो जो भी आना चाहता है वो आ सकते हैं। आधा मेरा और एंड्रयू का होगा और बाकी जो बचा होगा तुम लोगों का होगा। अरे चलो यार तुम्हें आना चाहिए, आ जाओ। मैं तो आ रहा हूँ। मैं भी। गेविन आई एम सॉरी। गेविन मुश्किल से 1 करोड़ भी नहीं मिलेगा। मुझे 10 लाख भी मिल जाएगा तो मेरे लिए काफी है एलिसन। गेविन मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देती हूँ मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए, तो चलो। अरे यार तुम लोग भी ना। अरे सुनो तो सही। ओके ठीक है रुको, देखो किसी ना किसी कारण से हम संडे तक वापस नहीं जा सकते, ये रख लो, अपना ख्याल रखना और तुम दोनों ध्यान से जाना। वैसे तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तो अब हम 5 है ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। हे दो लोग चले गए, अब ये बियर हमारे लिए काफी होगी। वैसे ये बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे दिमाग में ये सब नहीं घुसेगा। कहीं तुम ये तो नहीं चाहते हो कि मैं इसे उठा के चलूं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। थक गई। देखो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि अगर वो फोटो वाला मामला सच हुआ तो हम अपने दोस्तों को खतरे में डाल रहे हैं। सुनो सेब को जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते हो, ओके? अरे यार कम से कम एक बार तो मुझ पर भरोसा करो प्लीज। वो भी मेरी है। ओह।
Hey guys, क्या तुम उस शेफ के बारे में जानते हो? उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। पता नहीं उसका क्या मतलब है, लेकिन वो शेफ मैं बनाना चाहूंगा। मैं मजाक कर रहा था। मुंह बंद रख, सेफ एक अच्छा आदमी है। तो रीचल तुम क्या कहती हो? Oh God, अब मैं शेफ के बारे में क्या बोलूं? मुझे लगा तुम दोनों एक होने वाले हो। क्या? तुम और ट्रेविस? पहले कभी मैंने सुना नहीं। हम साथ बड़े हुए, हमेशा अच्छे दोस्त रहे, यही हमारी स्टोरी है। मैं रेचल को डेट नहीं कर सकता, मुझे लगेगा कि मैं अपनी सिस्टर को डेट कर रहा हूँ। तो ये तेरी सिस्टर है? क्या ढूंढ रही हो तुम? Oh my God! Sorry. तुम्हारे पास चाकू है? Yeah. Thanks. हाँ, तो इसे ऐसे पकड़ो। Okay. यहाँ थोड़ा और पुश करो। Thanks. तो कल का क्या प्लान है? कल 10 माइल लोकेशन की तरफ चलना है, और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा जल्दी निकलना होगा ताकि कोई परेशानी ना हो। मैं कुछ समझा नहीं। इस तरह की परेशानी ना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस नेविगेशन के बारे में सोच के कह रहा था। बैकी, क्या तुम मेरा एक जरूरी काम कर सकती हो? मैं वेकेशन पर हूँ। ठीक है ट्रेविस, वो तुमने कहाँ रखा? क्या? मेरा GPS और मेरी नोटबुक। कहाँ गई? हाँ, ये मजाक नहीं है। हे हे, वो लेके भाग रहा है, भाग रहा है। एंड्रयू, तेरी तो रुको। हाँ, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। बेकी, नहीं, मैं यहीं रुकना चाहूंगी। पक्का? हाँ, तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। गाइस, लगता है खो गए हैं। कौन कौन है? एंड्रयू, क्या तुम ठीक हो? गैविन, अबे तेरी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फ्रैंकी, तुम जानते हो इसे? हे बॉब, हे, GPS इसी के पास है। हाथ मत लगाना। सोचना भी मत, उसे छोड़ दो। अबे कमीने, तू जो भी है, पहले तेरा ये नकाब हटा। मुझे छोड़ दो। मजा आया ना? हाँ हाँ, बहुत आया। अब जरा वो GPS मुझे दे। क्या ये? हाँ वही। अगर मैं इसके लिए टॉस करूं तो कैसा रहेगा? ये तो हमारा है, इसके लिए टॉस की क्या जरूरत? देखो मेरी बात सुनो, पागलपन करने की कोई जरूरत नहीं है।
जस्ट रिलैक्स। अच्छा आइडिया है, हम एक डील क्यों नहीं कर लेते, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ठीक है ये मुझे दो। रुको जरा, वो नोटबुक। हाँ? एंड्रयू की नोटबुक मुझे दो। उसे दे दो। ठीक है। फ्रैंकी वो उस दिन क्या वो डेट थी बॉब? तुम बहुत क्यूट लगते हो जब गुस्सा होते हो। कम ऑन, आउच, अपना रोना बंद करो यार। इस पागल के बारे में हमें सोचना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि अब हमें चिंता करनी चाहिए, उसका जीपीएस काम नहीं करेगा। तुझे बताया मैं तुझे कितना प्यार करता हूं? अपना मुंह बंद रख और चुपचाप चल यहां से। रेचल कहाँ है? क्या मतलब? वो दोनों तुम्हारे पीछे गए थे। लेकिन हमने उन्हें नहीं देखा। तुम कहाँ थे? हमें मिले नहीं। और तुम भी नहीं। तुम्हें जीपीएस मिला? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? किसी कमीने ने मेरे सर पे जोर से मारा। वो जरूर फ्रैंकी होगी। क्या फ्रैंकी और सैम यहाँ पर है? उसने मेरे सर पे भी मारा। वो शायद हमारा पीछा कर रहे थे। रुको, कौन है? कोई जीपीएस के चोर। yeah. तुम्हें मेरी नोटबुक मिली? हाँ है ना, ये लो। चिंता मत करो, ओके? अगर उन्होंने कोऑर्डिनेट्स देख भी लिए होंगे तो भी वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रेविस ने उनकी बैटरी निकाल दी थी। तुम कमाल हो। थैंक यू। तुमने उनकी बैटरी निकाल ली? हाँ। ट्रेविस, तुम बहुत स्मार्ट हो। थैंक यू। मेरा मतलब, यहाँ जंगल के बीचों बीच कौन होगा जो एक्स्ट्रा बैटरी लेकर नहीं आएगा? मैं सोने जा रहा हूँ, कल बड़ी हाइकिंग पे जाना है। हाँ, लगता है मुझे भी सो जाना चाहिए। सॉरी ड्यूड, देख मेरी उंगली कितनी बड़ी हो गई है। यार देखना, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। एंड्रयू, तुमने देखा कि नहीं? देखो कितनी बड़ी है। हाय, मेरा नाम है एंड्रयू। मैं कोई भी मस्ती कर सकता हूं, मैं एक बड़ा मस्त मौला हूं। दोस्त जरा यहां देखो ना। क्या तुम सोना नहीं चाहते हो जाने मन? हाँ, एक मिनट में आता हूं। ठीक है, आ जाना। बाहर जंगली बिल्लियां हैं। रूम सर्विस ऑर्डर करो ना, मुझे स्ट्रॉबेरीज और चॉकलेट्स चाहिए। ठीक है, मैं लाता हूं। शैप,
शेब। शेब? क्या कर रहे हो शैब? तुम मुझे ऐसे डरा क्यों रहे हो? क्या तुम खाना चाहोगी? नहीं, तुम ही खा लो, मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। हमें निकलना है, तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ी सी थकान। अब ज्यादा दूर नहीं है। बॉब अभी तक आया क्यों नहीं? बॉब तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। हे बॉब! अरे यार, नहीं, हे बॉब, 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 हे बॉब, अरे ट्रैविस, कहाँ गया वो? अरे यार, पता नहीं। हे बॉब, लगता है बेचारा रास्ता भटक गया होगा। क्या? खो गया है। ट्रैविस रुको। क्या? देखो ये सारी हंट। ये बताओ वो लोकेशन कितनी दूर है? 2 माइल्स दूर है। तो फिर हमें वहां जाना चाहिए। उसके लिए एक नोट छोड़ देते हैं कि हम वापस आएंगे, ठीक है? ठीक है। बैग छोड़ के जाना बड़ा अजीब है। क्या हुआ? कुछ नहीं। हे गाइस, लगता है हमारे जंगल के मास्टर भटक गए हैं। हे, वो सब ठीक है ना? हाँ, बॉब कहाँ है? पता नहीं, लेकिन हमें उसका बैग मिला है। हमें उसे अच्छे से तलाशना चाहिए। नहीं, हमें पैसे के लिए जाना चाहिए, है ना? हाँ, शायद से। एक मिनट, क्या हम बॉब को पीछे छोड़ने वाले हैं? देखो, जैसा कि तुम लोग जानते हो, कल रात वो इडियट्स लोकेशन चुरा चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें जाना नहीं, चाहिए। नहीं, हमें इंतजार करना चाहिए। क्या? नहीं, नो, मगर भूल जाओ, वो कहीं आसपास भटक गया होगा, वो भी आ जाएगा ना हमारे पास। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलो चलो, जल्दी करो। ठीक है, पर बॉब को सिर्फ 10% ही मिलेगा। हाँ एंड्रयू,
शायद इसके लिए वापस आना होगा। वो देखो वो रहा। गाइस इसे खींचो। हाँ जरा ध्यान से। एंड्रू इसे काट दो। क्यों नहीं। हाँ ये कैसे खुलेगा। चलो जल्दी खोलो देखो इसमें क्या है। कोई पत्थर ढूंढना होगा। हे गाइस हम चाबी क्यों नहीं यूज करते। ओह बहुत अच्छा काम किया बेकी। hey, जल्दी खोलो यार इसे। ए इसे जरा मुझे दो। गाइस मजाक मत करो प्लीज। सॉरी मैं भूल गया कि हम सीरियस काम कर रहे हैं। चलो खोलो इसे। ठीक है देखने के लिए तैयार हो। करोड़ों का तो नहीं लगता पर इसे बेचने से हजार दो हजार मिल ही जाएंगे। मैं शर्त लगाता हूँ इसके अंदर पौन या फिर कुछ और ही छुपा होगा। चलो देखते हैं क्या है। हे गाइस ये क्या है। प्लेनी। नाइस शायद हमें ये वहां तक ले जाए जहां हम जाना चाहते हैं। Thank you.
कमीने को नहीं छोड़ूंगा। वो जिंदा है। ओह माय गॉड। नहीं। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। गाइस। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। अब क्या करें? ओह माय गॉड। हमें उन्हें वापस नहीं जाने देना चाहिए था। ओह माय गॉड, हाथ मत लगाओ मुझे। ओह माय गॉड, ठीक हो? बॉब के साथ ये सब क्या हो गया? हे, क्या हुआ? मैं समझ गया, ये एक गेम है। ये गेम नहीं है। मेरा मतलब तुम और बॉब ही तो कह रहे थे कि वो आदमी। ये गेम नहीं है। ये गेम नहीं है। बंद करो, ये एक गेम है। कम ऑन ट्रैविस। कम ऑन ट्रैविस। कम ऑन ट्रैविस। बेब प्लीज आ जाओ। कम ऑन। हमें उसे ढूंढना होगा। एंड्रू पागल हो गए, हमें वापस जाकर कुछ हेल्प लेनी होगी। जब तक हम वहां पहुंचेंगे वो मर चुकी होगी। वो मेरी कजन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और अंकल को जाके क्या जवाब दूंगा जब घर पहुंचूंगा? एंड्रू, मैं जा रहा हूं, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन क्या करोगे? मुझे उसकी जान बचानी होगी। गाइस, जरा रुको। मुझे लगता है हमें आज रात यहीं रुकना चाहिए। गाइस, ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। गाइस, ट्रैविस, क्या वो बेकी है? बेकी, चलो मुझे लाइट दो। शुँ।
थी। ओह माय गॉड। तुम ठीक हो? नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। ओह शिट। शांत हो जाओ। बैकी, मुझे फ्लैशलाइट दो। ये बहुत डरावना था। बैकी, मुझे मैं बहुत डर गई थी। ये शायद कोई जानवर था। वो शायद बॉब था। जल्दी करो, टॉर्च चलाओ। शायद बॉब ही था। चलो चलो, जल्दी करो, टॉर्च चलाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, प्लीज। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे लगता है हमें जरा शांति रखनी चाहिए। हमें डरने की जरूरत नहीं है। शायद कोई जानवर हो। चलो कैंप लगाते हैं और आग का बंदोबस्त करते हैं। ओके, कौन है? हेलो, बॉब डराने की कोशिश की तो छोड़ूंगी नहीं। बॉब, बॉब, गॉड, तुमने डरा दिया। अब पहरेदारी करने की बारी मेरी। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हें डरा दिया। शट अप। मजाक कर रहा हूं। ट्रेविस, तुमने कुछ सुना? अरे कुछ नहीं है, यहां कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम हो। कम ऑन। यहां से जल्दी निकलते हैं, फिर हम साथ में एक अच्छा वक्त बिताएंगे। यहां होना। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो ठीक है, जाओ सो जाओ। कि मुझे पता है तुम ही हो। Thank you.
ट्रेविस कहाँ है? एंड्रयू उठो, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? ट्रेविस कहाँ है? मुझे नहीं पता। ट्रेविस! ट्रेविस! वो रहा? लगता है वहीं सो गया होगा। क्या हुआ इसे? हे ट्रेविस! हे उठ जाओ दोस्त, ए चलो उठो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हे बेकी रुको, नहीं छोड़ो मुझे, बेकी नहीं छोड़ो। ट्रेविस, इसे कुछ नहीं हुआ। ट्रेविस प्लीज उठ जाओ। ट्रेविस नाउ, ट्रेविस, ट्रेविस तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। ट्रेविस, ट्रेविस, ट्रेविस प्लीज उठो, उठो ट्रेविस, प्लीज उठो। ट्रेविस उठो प्लीज। क्या रात को पहरे ट्रेविस कर रहा था? ट्रेविस प्लीज, नहीं। बेकी खुद को संभालो, बाहर में जाओ। नो, नहीं। कौन है वहां? अरे तुम थे कहाँ? मैंने यहाँ रैकेट फेंका था। मैंने तुमसे सवाल पूछा, कहाँ थे तुम? अबे यही तो मैं पूछ रहा था कि तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों गए थे? तुम गायब हो गए थे। मैं तो गायब नहीं हुआ, तुम लोग। शेफ कहाँ है? क्या मतलब, क्या है शेफ कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है कमीने कहीं के? रुको, नहीं, छोड़ो मुझे। पागल हो क्या? सॉरी, हम सॉरी, हमें इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। क्या कह रहे हो तुम? यह हंट शेफ की वजह से शुरू हुआ। हमने सोचा शायद उसने कुछ मैसेज या पैसे छोड़े होंगे, पता नहीं। देखो तुम लोग सच में अजीब बर्ताव कर रहे हो, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? हाँ बताओ। ट्रेविस मर चुका है। मतलब क्या ट्रेविस मर चुका है? ये क्या बकवास? हे हिलना मत, तुम ये कर क्या रहे हो? बताओ कहाँ गए थे? सुनो, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। देखो मैं सुन स्पीक कर रहा था। क्या क्या तुम सोच रहे हो ट्रेविस को मैंने मारा? कहाँ? मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यहाँ कब पहुंचे? पता नहीं, शायद उस वक्त आधी रात। ऐसा नहीं हो सकता, मैं 12 बजे के बाद सोई लेकिन तुम्हें नहीं देखा। मुझे नहीं पता उस वक्त 1 बजा था या फिर 2 बजे थे, समझे? हटो, मुझे इंट्रोगेट करना बंद करो। तुम्हें पता है कि यहां पे क्या चल रहा है तो प्लीज यार मुझे बता दो। ट्रेविस मर गया? हमें कुछ मिला था तुम्हारे बैग में से, एक मैगजीन।
एंड्रयू, आखिर यहां चल क्या रहा है? क्या तुमने सुना? क्या? फ्रैंकी! फ्रैंकी! हाँ, यही। फ्रैंकी! क्या लगता है इसके साथ क्या हुआ? फ्रैंकी! मुझे लगता है गेम खेल रहा है। ये कोई गेम नहीं है गाइस, अगर ये कोई चाल हुई तो। चलो अब पता करते हैं। तुम गन से क्या करोगे? हम जंगल के बीच में हैं, गन तो होने ही चाहिए, है ना? नो। फ्रैंकी कहाँ है? ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तूने हमें फॉलो क्यों किया था? जीसस बॉब, सवालों का जवाब दो सैम। सवाल क्या है? फ्रैंकी कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। तुम ये गन मेरे सामने से हटाओ। मेरा पैर टूट गया है, मैं चल भी नहीं सकता। सच में बॉब, कम ऑन। ठीक है, पता है मैं कभी कभी पागल सा हो जाता हूं। कैसा पागलपन? लोगों के सामने लोडेड गन लगा देते हो। अरे चलना कोई बात नहीं। आखिर तुमने क्या सोच रखा है? अगर गलती से चल जाती तो? हमेशा इसे ये अपने साथ ही लेकर घूमता है। सैम, ये अभी भी मेरे हाथ में, इसलिए तू अपना मुंह बंद कर। सुनो, किसी का मर्डर हुआ है। क्या? एक साल पहले हुआ था, इसलिए हम थोड़ा सा डरे हुए थे। तो मर्डर यहाँ हुआ था? हाँ, क्या तूने उसके बारे में नहीं सुना? कुछ पागल घुमक्कड़ों ने एक आदमी को मार डाला था। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना था। तो अब सुन ले एंड्रयू, अब हमें जाना होगा। अरे सुनो दोस्तों, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। हम तुम्हारे लिए वापस आएंगे। सुनो, मुझे नहीं पता फ्रैंकी कहाँ है, और वो जीपीएस भी उसी के पास है। तो फिर तुम्हें ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। पता नहीं वो वापस आएगी भी नहीं। वो मुझे छोड़कर चली गई। तू यहीं रहे, बाद में मिलते हैं। अरे रुको 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 रुको, भगवान के लिए रोना बंद करेगा यार। मेरा पैर टूट गया है और मैं चल भी नहीं सकता। कम से कम कोई फर्स्ट एड की किट ही छोड़कर जाओ। ठीक है, मैं तेरी पट्टी कर देता हूं। बॉब, ये चल क्या रहा है? ओ, ये तो एक मैगजीन का है। हाँ तो बताना शुरू करो। तुम मेरे बैग के साथ क्या कर रही थी? मायने नहीं रखता। मायने रखता है? कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक मैगजीन। बिल्कुल, तुम रुको, मुझे बताते मुझे हो या नहीं? कल तुम्हारे बैग में मुझे मिली थी। ये मेरी नहीं है, बस मुझे मिली। शट अप एवरीबॉडी, शट अप। सुनो, भागो, वो भालू मार डालेगा। वो भालू बहुत खतरनाक है। भागो, भागो, बचाने के लिए भागो।
भागो। तुम ठीक हो? फ्रैंकी, क्या चल रहा है यहां पे? फ्रैंकी, आखिर क्या हो गया उसे? तू बताना शुरू कर, वो मर चुकी है। ओह शिट, ओह माय गॉड, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी। ट्रैविस को भी तूने ही मारा ना? जमीन के साथ भी तूने ही किया? हटो, कबूल कर। मैंने नहीं मारा, छोड़ो, नहीं मारा उसे। तूने ट्रैविस को मारा है और गैविन को भी। तू मरेगा, कबूल कर, तू मरेगा। नहीं, तू मरेगा। मार, मार मुझे। यही तूने उसके साथ भी किया, हाँ? ये एक्सीडेंट था। गन नीचे करो। मेरा ये मतलब नहीं। गन नीचे करो। नीचे करो। चलो चलो चलो, भागो यहां से। Allison, Allison, Allison. Oh my God. Oh my God. Gavin. हमें जाना होगा। जल्दी करो। जा। चलो, हमें जाना होगा। ठीक हो? चलो निकल। प्लीज नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं नीचे रख रहा हूं। ठीक है एंड्रयू? एंड्रयू नहीं।
एंड्रयू, 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 कहाँ गया वो? मुझे पता नहीं। तुम ठीक हो? आ जाओ आराम से। तुम ठीक हो ना? एलिसन, केविन, तुम तो मर गए थे। लगभग। क्यों? तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों किया ऐसा? अपनी बहन से पूछो एंड्रयू, तुम खुद ही समझ जाओगे। मेरी कोई सिस्टर नहीं है एंड्रयू, सब उसी की वजह से हुआ है। तुम्हें नहीं दिखा? नहीं, मुझे नहीं दिखा। पर यहां कोई नहीं है। अब रिचल और गैविन दोनों शामिल थे इसमें। ये पागलपन है, मैंने कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम गन नीचे रखो। नहीं, उससे दूर रहो तुम। अभी ये हम दोनों को मार देगी। तुम पागल हो, तुम पागल हो। देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस तुम गन नीचे रखो, हम बात करते हैं। कोई फायदा नहीं एंड्रयू, ये यहां हमें मारने के लिए आई है। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। अच्छा, तो ये क्या है? हाँ? क्या? रुको एलिसन, सोचो इस बारे में। मुझे अपने परिवार को बचाना है। मत करो। कमीने कहीं के, वहां खड़े हो जाओ, जाओ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जीसस एंड्रयू, मुझे लगा तुम्हें समझ आ गया। मेरे भाई होने के नाते। तुम्हारा भाई? तुम ये किस बारे में बात कर रही हो? शट अप, सब लोग शट अप। अब सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। मुझे डैडी के डेस्क में कुछ इंटरेस्टिंग पेपर्स मिले। जाहिर है जब मेरे पेरेंट्स जवान और गरीब थे, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही पागलपन था जिसका नाम एंड्रयू था। लेकिन बदकिस्मती से किसी और ने उसे अडॉप्ट कर लिया और कुछ साल बाद वो अमीर हो गए और उनके घर में एलिसन नाम की एक सुंदर बेटी पैदा हुई। लेकिन मैं उनके लिए काफी नहीं थी, तो वो पैसे देने लगे एंड्रयू के नए पेरेंट्स को और फिर मेरे परिवार में एक नया इंसान जुड़ गया। लेकिन मैं वो... लेकिन मैं डैडी ने अपना टाइम और पैसे तुम पर ज्यादा खर्च किए, ना कि अपनी बेटी पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम नहीं थी। तो ये बस इसीलिए था? तुम्हें लगता है कि मुझे ज्यादा टेंशन मिली? तुम्हें जानकर खुशी होगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो फिर क्या? पैसा। रिचल, तुम बिल्कुल सही समझी हो, तुम्हारे लिए सब कुछ पैसा ही है। बिल्कुल सही कहा।
उनकी नई वसीयत में सब कुछ दोनों बच्चों को मिलेगा। दो बच्चे और मैं, सिर्फ मैं ही हूँ उनकी एक लौती वारिस। अगर एंड्रयू मर भी गया तब भी पेरेंट्स के मरने तक पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या? ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं होता, मुझे इसमें पूरा हफ्ता लग गया। वो नहीं मर सकते। ये कैसा था? मैं प्रैक्टिस कर रही थी कैसे बोलना है। तुमने उन्हें मार दिया? हाँ, ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तुम पागल हो क्या? हाँ शायद, मम्मी और डैडी को भी यही लगता था। मैं वापस उस इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना चाहती। पता है कि तो पागलपन भर रहा है वहाँ। मेरा मतलब, मुझे नाटक करना पड़ा कि मुझे सही होने के लिए फ्रांस जाना पड़ेगा। तुमने सेब के साथ क्या किया? मैंने उसे मार डाला। और मुझे पता था जीपीएस में सेब का नाम इस्तेमाल करके तुम लोगों को यहाँ बुलाया जा सकता है। यही परफेक्ट प्लान था। और गैविन के बारे में? गैविन के बारे में क्या, उसने मेरे लिए सब कुछ किया। वो मेरे लिए लोगों को मार भी सकता था, बाद में तो उसे मजा भी आने लगा। कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना कि एक आम लड़की क्या क्या कर सकती है। बालू, बालू। ओह शिट। और गैविन बहुत परफेक्ट था ये सब कुछ करने के लिए। गॉड, मेरा मतलब, वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार था। और तुम, वो खासकर तुम्हें ही मारना चाहता था। मैंने उसे उस बारे में बताया जब तुमने रेप किया मेरा और मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा। क्या? ओह गॉड, वैसे भी सबसे नुकीला हथौड़ा नहीं था। टूल। क्या कहा कमीने? सबसे नुकीला टूल होता है। मुंह बंद रखो बॉब। रुको। क्या? तो इसका मतलब तुम हमें मार दोगी? हाँ। शायद मेरा निशाना उतना अच्छा नहीं है। I'm so sorry, Andrew. मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। Just joking. मुझे तुम कभी पसंद नहीं थे। कभी नहीं कहेंगे। अलविदा एलिसन। बॉब, बाप रे एंड्रयू, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। ये तुम्हें कहां से मिला? सेब के ब्रेसलेट में मिला। सुनो, एफबीआई तुमसे बात करना चाहती है। बॉब, मत करो। सॉरी, मुझे पता है मैंने कहा था, मैंने छोड़ दिया। पागल हो? पुलिस वाले आसपास हैं, समझदार बनो, चलो।
हाँ ठीक है मिस्टर एंड्रयू। तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मिस्टर लेमन ने पैसा कहाँ छुपाया है? हमें ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला। क्या वहाँ तुम्हें कुछ और नहीं मिला जो वहाँ का हो? नहीं। क्या कर रहे हो तुम? चोरी के पैसे का कोई अवार्ड मिलेगा? $100,000। ये नाम का पैसा ट्रेविस और बैकी के परिवार वालों को ही मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहा था तुमने, कितनी बॉडीज होंगी? 5। अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मुझे लगा तुमने ये जीपीएस वगैरह छोड़ दिया होगा। हाँ। ओ सच में, तुम अभी भी उनकी मेलिंग लिस्ट में कैसे हो? थोड़ा वियर्ड है। भूलना मत, डिनर साथ में करना है। हाँ मुझे पता है। मैं नहा कर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। Welcome team Bob. Please enter your treasure code. Congratulations. तुम 29वां GPS hunt successfully पूरा कर चुके हो। क्या तुम अपने अगले hunt के लिए तैयार हो? Invitation आ गया शेप की तरफ से। लोकेशन है तुम्हारा घर। हाय, आपने बेकी को देखा? एक्सक्यूज मी, हमारी बिल्ली बेकी, वो मिसिंग है। ओह नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ओके वेल थैंक यू, सॉरी आपको परेशान किया। कोई बात नहीं। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो?
पता नहीं मुझे क्या हो गया। तुम्हें बड़ा नहीं छोटा रास्ता बनाना चाहिए। सच में? बॉब कहाँ है? चलो ट्रैकिंग करते हैं। यार तुम लोगों के बड़े अजीब शौक हैं। चार चार लोग, यस। As the days get long and your nights are spent alone, well, you can call me baby. Yeah, you can call me baby. You get to thank you and you feel you want to live. Like you missed a car.